गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने मतदान पीठासीन अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित 8 कर्मचारियों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई कर्मचारी बिना किसी बीमारी के स्वास्थ्यगत कारणों से चुनाव ड्यूटी से बचने का प्रयास करेगा तो उनकी जाँच मेडिकल बोर्ड से कराई जाएगी और गलत पाए जाने पर कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूर जरूर, टोटल लगभग 8 या 9 लोग अनुपस्थित हैं, उनको नोटिस जारी कार्रवाई की जाएगी। और ये भी निर्देश दिया गया है कि जो जेनाइन है ना, उनके मामलों पर विचार किया जाएगा, लेकिन जो गलत तरीके से यदि केवल चुनाव ड्यूटी से मुक्ति पाना चाहेंगे तो उनके खिलाफ भी जो है वो गलत तरीके से आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले गरियाबंद में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदान पीठासीन अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1,300 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कलेक्टर ने सभी प्रशिक्षण कक्षों में शामिल मतदान अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए, जिससे प्रशिक्षण से संबंधित सूचना और नवीनतम जानकारी साझा की जा सके।